नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूँ। आज सेकंड वीडियो सीपी से संबंधित है। बी केयरफुल प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर एंड डिग्री रीड की हड्डी है सीपीसी की। सारा कुछ दारोमदार जो सिविल में डिसीजन होते हैं उसको उसमें डिक्री बनती है। डिक्री एंड ऑर्डर क्या है जो कोर्ट जारी करती है, इस संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और विद्वान अधिवक्ता या मेरे टीचर्स या मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई गलती हो तो माफ करना, मेरा विषय नहीं है, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा लगे तो ओके, इसको सब्सक्राइब करें और आप वो क्या बोलते हैं लाइक करें, थैंक यू। आज हम बात करेंगे डिक्री एंड ऑर्डर। तो प्रश्न उठता है, डिक्री से आप क्या समझते हैं, डिक्री कितने प्रकार की होती है, डिक्री कब जारी होती है, डिक्री अपील योग्य है या नहीं, और इसी तरीके से ऑर्डर एंड डिक्री में क्या अंतर है, ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं और ऑर्डर अपील योग्य है या नहीं, आदि सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से डिक्री की परिभाषा को मैंने तोड़ा है, जिसमें आवश्यक तत्व भी सम्मिलित है। आशा है आपको समझ में आएगा, निश्चित रूप से ऐसा मेरा अनुमान है। तो डिक्री से तात्पर्य सेक्शन 2 के क्लोज 2, डिक्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। डिक्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय रेगार्ड द कोर्ट। कोर्ट ने कुछ बोला है, कोर्ट ने कुछ कहा है, कोर्ट ने कुछ बोला है, कोर्ट ने कुछ कहा है, ये न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल एडजुडिकेशन बाय कोर्ट है पहला। दूसरा, डिक्री वाद पत्र में जारी होती है। ध्यान रहे, दूसरा आवश्यक तत्व भी आता है, डिक्री वाद पत्र में जारी होता है, इन द सूट वाद पत्र पर जारी होती है। तीसरा, डिक्री पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयात्मक रूप से निर्धारण करती है, कंक्लूसिव डिटरमाइंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज कंक्लूसिव डिटरमाइंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। यह है पक्षकारों का, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं उनके पक्षकारों के अधिकारों का, राइट्स का अंतिम रूप से डिटरमाइन, कंक्लूसिव निश्चयात्मक रूप से निर्धारण करती है डिक्री। डिक्री प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। इसका मतलब है डिग्री के प्रकार, दो प्रकार की डिग्री होती है। नोटा बेना, विशेष बात, इसमें इंक्लूड्स क्या शामिल है, वाद पत्र का नामंजूर करना, रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। अगर दावे को रिजेक्ट कर दिया गया है, एक्सपार्टी डिसीजन है, या समन भेजा गया, दूसरा पक्षकार आया ही नहीं है, और गुण दोष के आधार पर ओन मेरिट दावे का रिजेक्शन कर दिया गया है, तो वो इसमें शामिल माना जाएगा, वो डिक्री है। दूसरा, सेक्शन 144 सीपीसी का प्रश्न, क्वेश्चन सेक्शन 144 सीपीएस में, सीपीसी
मैं किसी बिंदु का, किसी क्वेश्चन का निर्धारण किया गया है वो डिक्री में शामिल है, सेक्शन 144 आपको देखना है, और इसमें शामिल नहीं है दूसरा नोटा बेना। डिक्री की परिभाषा में शामिल नहीं है दूसरा नोटा बेना, नोट इंक्लूड्स। नंबर एक, ऐसे न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती है, ऐसे डिसीजन जिसकी अपील जो है आदेश की भांति होती है, एन एडजुडिकेशन एज अपील्स फ्रॉम एन ऑर्डर। जिस प्रकार से ऑर्डर की अपील होती है, इस प्रकार का कोई न्याय निर्णय है तो वो इसमें शामिल नहीं है, वो डिक्री नहीं है। दूसरा, चूक के आधार पर खारिज आदेश, डिफॉल्टर एनी ऑर्डर ऑफ द डिसमिस फॉर डिफॉल्ट। कोई व्यक्ति डिफॉल्ट हो जाता है और उसको सुनवाई का मौका नहीं मिला है तो वो डिक्री नहीं है, डिक्री में शामिल नहीं है। तो ये इंक्लूड्स और नॉट इंक्लूड्स को भी आपको डिक्री की परिभाषा में समझना है, ये डिक्री नहीं है। अब है काइंड्स ऑफ डिक्री, डिक्री के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम, फाइनल, प्रिलिमिनरी और फाइनल। प्रारंभिक डिक्री जो फैक्ट्स इन इश्यू स्थिर किए जाते हैं, जितने बिंदु की कोर्ट तनकी बनाती है उसमें कुछ एक राइट्स प्रारंभिक डिक्री में निर्धारित कर दिए जाते हैं। प्रारंभिक डिक्री अपील योग्य है यदि अपीलेंट कोर्ट प्रारंभिक डिक्री को सेट डिसाइड कर देती है, मीनवाइल अंतिम डिक्री भी जारी कर दी है ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो वो भी शून्य होगी। प्रारंभिक डिक्री की अपील में सुनवाई करते समय अपीलेंट कोर्ट ने यदि अधीनस्थ न्यायालय को नहीं रोका है तो अधीनस्थ न्यायालय जारी रखेगा और अंतिम डिक्री भी जारी कर देगा, और प्रारंभिक डिक्री यदि सेट डिसाइड कर दी अपीलेंट कोर्ट ने तो अंतिम डिक्री अपने आप ही खारिज मानी जाएगी। जैसे ये मकान है, मकान की नींव है, नींव यदि निकाल ली जाए, ये प्रारंभिक डिक्री है, बेसमेंट है, तो फिर ऊपर इसके गार्डर वगैरह नहीं रह सकते, फाइनल डिग्री नहीं ठहर सकती। प्रारंभिक डिग्री को यदि कोर्ट ने, अपीलेंट कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। अंतिम डिग्री में पक्षकारों के राइट्स एंड ड्यूटी जो भी अधिकार है अंतिम रूप से, निश्चयात्मक रूप से निपटारा कर दिया जाता है। अब कोई वाद में किसी भी प्रकार की कोई शेष नहीं रहे, संपूर्ण रूप से एब्सोल्यूट जो वाद था, सूट था, उसका निर्धारण अंतिम रूप से अंतिम डिग्री में कर दिया गया है। अब है डिग्री की अपील। तो डिग्री की दो अपील होती है, अपीलों की अपील भी होती है, लेकिन जो मूल डिग्री है उसकी दो अपील होती है। पहली अपील अपीलेंट कोर्ट में होगी, तो अपीलेंट कोर्ट कौन है, तो अधीनस्थ न्यायालय का डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज वो प्रथम अपीलेंट अथॉरिटी है। तो अपील दो हो सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है अगर ट्रायल कोर्ट ने निर्धारण किए है, डिक्री जारी किए है, प्रारंभिक है चाहे अंतिम है, उसकी फर्स्ट अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने या एडिशनल सेशन जज जो भी हो, उन्होंने किसी वाद का निपटारा किया है और उसमें डिक्री जारी की है, चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट होगी। तो फर्स्ट अपील सेशन कोर्ट में हो भी सकती है और नहीं भी। सेशन कोर्ट स्तर के न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है तो फर्स्ट अपील हाई कोर्ट होगी,
लेकिन ध्यान देने की बात है, सेकंड अपील हमेशा ही हाई कोर्ट में होगी। सेकंड अपील हमेशा ही हाई कोर्ट में होगी। अब प्रश्न उठता है, अपील का अधिकार किसको है, अपील में कौन जाएगा? जो पीड़ित पक्षकार होगा, जो निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा, वही जाएगा। लेकिन अगर वो पक्षकार नहीं है और डिक्री ऐसे मामले में, ऐसे वाद में दी गई है जिससे कोई व्यक्ति अन्य जो पक्षकार नहीं है वो शुद्ध हो गया है, उसको आघात पहुंचा है, तो वो व्यक्ति भी अपील में जा सकता है। ये सेक्शन 96 सीपीसी में उल्लेख किया गया है कि कौन अपील करेगा। इसी तरीके से कंसेंट द्वारा, सहमति द्वारा, न्यायालय में पक्षकारों ने सहमति के आधार पर कोई डिक्री प्राप्त कर ली है, राजीनामा हो गया है, तो फिर उनमें से वो डिग्री, कंसेंट डिग्री, सहमति द्वारा प्राप्त की गई डिग्री अपील योग्य नहीं है, ध्यान रखने की बात है। और एक्स पार्टी डिग्री अगर कोई हुई है तो भी वो डिग्री मानी जाएगी, एक्स पार्टी डिसीजन भी डिग्री माना जाएगा। ये ऑर्डर नो रूल 13 में कहा गया है, अप्लीकेबल है एक्स पार्टी डिसीजन भी, ऑर्डर नो रूल 13 में इसके बारे में व्याख्या की गई है। तो ये है आपकी डिक्री, डिक्री की परिभाषा, परिभाषा में से आवश्यक तत्व है, क्या करता है, वाद पत्र पर जारी होती है, न्याय निर्णय औपचारिक अभिव्यक्ति है, और ये जो न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है वो वाद पत्र पर जारी होती है, निश्चयात्मक करती है, अंतिम रूप से करती है, प्रारंभिक और अंतिम दो प्रकार की होती है। डिक्री में शामिल रिजेक्शन ऑफ प्लैंट ऑर्डर 7 रूल 11 के मुताबिक वो शामिल है, अर्थात वो डिक्री माना जाएगा। और सेक्शन 144 के किसी धारा 144 में किसी जो उल्लेखित है उनमें से किसी एक क्वेश्चन का कोर्ट ने निर्धारण किया है तो वो भी डिक्री है। डिक्री में क्या चीज शामिल नहीं है, ऐसा न्याय निर्णय जिसकी आदेश की भांति अपील होती हो वो डिक्री नहीं है, और चूक के आधार पर कोई वाद खारिज किया गया है वो डिक्री नहीं है। और अपील फर्स्ट एंड सेकंड होती है, ध्यान देने की बात है, अपील करने का अधिकार पीड़ित पक्षकार को होगा जो असंतुष्ट होगा, अन्यथा यदि कोई शुद्ध व्यक्ति भी है तो अपील करने का अधिकार रखता है। सेक्शन 96 सीपीसी में भी ये उल्लेख किया गया है, कंसेंट द्वारा प्राप्त की गई डिग्री अपील योग्य नहीं होती है। अब आता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर से आप क्या समझते हैं, सेक्शन 2 धारा 14 सीपीसी, आदेश न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, डिक्री नहीं है, बस एक लाइन का है, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट डिक्री। आदेश न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है लेकिन डिक्री नहीं, तो आपको यहां पर डिक्री एंड ऑर्डर में भेद करना पड़ेगा चार्ट बना करके। तो इसमें एक तरफ आप लिख सकते हैं इधर डिक्री और यहां पर आदेश, तब आपको मालूम चलेगा कि आदेश क्या है। डिक्री वाद पत्र में जारी होती है और आदेश प्रार्थना पत्र पर जारी होता है, एप्लीकेशन पर जारी होता है, एप्लीकेशन पर डिक्री जारी नहीं होती, एप्लीकेशन पर डिक्री जारी नहीं होती। डिक्री अपील योग्य है, दो अपीलें होती है और अपीलों की भी अपील परमिशन से होती है। डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा होता है। डिक्री दो प्रकार की होती है, सारे डिक्री के गुण इस साइड में लिखने पड़ेंगे आपको। अब आदेश है, वो आदेश प्रार्थना पत्र पर दिए जाते हैं, आदेश सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, जबकि डिक्री सकारात्मक और नकारात्मक नहीं होती।
आधे सकारात्मक और नकारात्मक होता है। आदेश हमेशा मैंडेटरी होता है जिसकी पालना करना आवश्यक है। मान लीजिए आपने प्रिंसिपल कॉलेज से आपको निकाल दिया तो आपने जो है परीक्षा में बैठने का आदेश प्राप्त कर लिया ऑर्डर 39 रूल 1-2 में, तो वो कहेंगे इनको बैठाओ, इनको रोको मत। और मैंडेटरी होता है, हम आदेश की अपील करें या रिविजन करने वो बात की बात है, हम सबसे पहले आपको प्रवेश देंगे, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है, आदेशात्मक होता है, मानना आवश्यक होता है। आदेश ऑर्डर जो है उसमें जो पक्षकारों के अधिकार और गुण दोष अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता, वो तो वाद पत्र में ही होता है ऑन मेरिट डिसीजन जब टिकरी जारी होती है। तो ये इसमें भेद आपको करना है। आदेश सामान्य सिद्धांत है, अपील योग्य नहीं है, न फर्स्ट होगी न सेकंड होगी, ध्यान देने की बात है। लेकिन अपवाद है इसके सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 आदेश 43 में कुछ एक विषय दिए गए हैं। यदि आदेश ऐसा है जो धारा 104 सीपीसी में गाइडलाइन दी गई है और ऑर्डर वहां क्या कर रहा है 43 उसमें 10-12 बिंदु है, उसमें यदि ऑर्डर द्वारा अगर कोई जैसे फुल अनुतोष तो वाद में दिया जाता है लेकिन ऑर्डर में जारी कर दिया तो ऐसा ऑर्डर अपील योग्य होगा। अनुतोष मांगा ही नहीं है और ऐसा ही ऑर्डर कोई जारी कर दिया गया हो, बहुत सारे ऑर्डर है जिनमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 21 रूल 34, ऑर्डर 21 रूल 72 और 92, ऑर्डर 22 और रूल 10, ऑर्डर 35 रूल 3-4-6, ऑर्डर 38 रूल 2-3-6 और ऑर्डर 39 रूल 1-2-4 और ऑर्डर 40 रूल 1-4 और ऑर्डर जो है 41 में 1-18-21 और ऑर्डर 47 में रूल 4। इन आदेशों को आपको गहनता से पढ़ना है, इसके साथ ही लिखना है कि ऑर्डर 7 रूल 10 क्या है, कौन सा ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर अपील योग्य है। ये अपवाद है सेक्शन 104, आदेश अपील योग्य नहीं है, लेकिन सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में आने वाले जो भी आदेश है वो अपील योग्य होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि फर्स्ट अपील सेकंड अपील नहीं होती, ये सारे के सारे आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसको आपको इसके साथ ही आज ही अपडेट करना है, किताब लेकर के बेयर एक्ट लेकर के और यहाँ पर ये सूची बना लेनी है ऑर्डर जो सेक्शन 104 और आदेश 43 में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा और आपके अगर लाइक्स मिलेंगे तो हम फिर सीपीसी में कोई न कोई जो है टॉपिक पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका साथ मिलेगा तो हम कमजोर नहीं पड़ेंगे और लॉकडाउन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, एक दूसरे की सहायता करें, मस्त रहे, मोरल हाई रहना चाहिए। ये जो है विल पावर हमेशा स्ट्रांग होती है वही देश जीतता है, तो अपने जो है विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।